हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश का पार्ट 5 कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 4 पार्ट कराए हैं इसकी टेस्ट सीरीज के, एंड एज आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी, तो उसी क्रम में आज मैं इंग्लिश का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। ठीक है, वैसे तो टेक्निकली ये पार्ट 4 ही होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग का जो पहला पार्ट था वो मिसलेनियस लिया था, और उसके बाद हमने टॉपिक वाइज शुरू करा था, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं हर टॉपिक से आपको 10 से 15 सेट जो है वो करवा दूंगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो उसी क्रम में आज मैं ये आप कह सकते हो कि स्पॉटिंग द एरर का पार्ट 4, यानी कि डी एक्सरसाइज है, जो अरिहंत की अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट से है। ठीक है, और इससे पहले हमने 3 कराए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो ये स्पॉटिंग द एरर का पार्ट 4 है, और अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो पार्ट 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रितु विल बी सरप्राइज्ड एज शी हियर्स द न्यूज, नो एरर। ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है कि क्या मिस्टेक है, और आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पर एज शी हियर्स द न्यूज नहीं होगा, वेन शी हियर्स द न्यूज। ठीक है, जब वो न्यूज सुनती है तो वो सरप्राइज्ड हो जाएगी, मतलब जब वो न्यूज़ सुनेगी तो वो सरप्राइज हो जाएगी। ठीक है, तो रितु विल बी सरप्राइज्ड व्हेन शी हियर्स द न्यूज़। ओके, तो नो यहाँ पर क्या है, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड टू पर्सन द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट, नो एरर। अब आपको यहाँ पर देखना है और बताना है कि किस स्टेटमेंट में मिस्टेक है। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर। तो 2 का सही आंसर आपका सी होगा, नन ऑफ देम ना होकर यहाँ पर नाइदर ऑफ देम होगा। क्या होगा, ना तो किसी ने भी नहीं बताया, उनमें से किसी ने भी नहीं बताया, तो इसके लिए नाइदर लगेगा, ना कि हमारा नन लगेगा। ठीक है, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री डिड नॉट गो अप, नो एरर। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्पाइट लिखना है, ना कि डिस्पाइट ऑफ लिखना है। ठीक है, ऑफ यहाँ पर आपको रिमूव करना है, डिस्पाइट अ गुड मॉनसून होगा, ना कि डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून। इसीलिए यहाँ का ए आंसर, ए जो है करेक्ट होगा, क्योंकि ग्रामेटिकली एरर ए वाले ऑप्शन में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट इम्प्रिजेंट एंड वॉज लेटर सेंट इन टू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश, नो एरर। अब आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी सी। क्या होगा, सी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंट टू एग्जाइल होगा। ठीक है, सेंट इन टू एग्जाइल नहीं होता है, सेंट टू एग्जाइल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस, नो एरर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या एरर है। तो बहुत आसान है, इसका ए करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि हार्डली हैड आई होगा, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट। ठीक है, तो हार्डली हैड आई होगा यहाँ पर, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर आपको एरर ही स्पॉट करनी है, फिर है टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हेल्थ बर्निंग, नो एरर। ओके, तो आपको इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर होगा, इज सच हाई नहीं होगा, इज सो हाई होगा, इज सो हाई। ओके, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, रीना वॉज ट्राइंग फॉर अ एडमिशन। यहाँ पर आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट होगा, यहाँ पर सो हाई होगा। ओके, आगे बात करेंगे, रीना वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज इवन दो हर पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू कीप टेक अप मेडिसिन, नो एरर।
अब आपको बताना है कि 7 में क्या गलत है। तो आपका 7 में जो आंसर करेक्ट होगा वो ए होगा, क्योंकि यहाँ पर रीना वॉज ट्राइंग टू होगा, सॉरी ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह टू द इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, ठीक है। तो यू हैव टू राइट टू इन प्लेस ऑफ इन, और दैट्स वाई यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामा विच अपियर्ड इन रिसेंट टाइम, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका सी होगा, क्योंकि यहाँ पर विच हैव अपियर्ड होगा, विच हैव अपियर्ड होगा, तो यहाँ पर यू हैव टू एड हैव। ओके, नेक्स्ट, चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज बाय द मंकीज प्ले इन द केज। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, नो एरर। तो आपको बताना, आपको पढ़ते ही ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका प्लेइंग होगा, ठीक है, मंकीज प्लेइंग होगा, ना कि प्ले इन द केज। तो प्लेइंग होगा इसका आंसर, मंकीज प्लेइंग इन द केजेस। ओके, आगे बात करेंगे आई एम बेटर, तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। फिर आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू, नो एरर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट आंसर देना है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 है, बींग ऑक्यूपाइड विद इम्पॉर्टेंट मैटर्स ही हैड नो लेजर टू सी अस, नो एरर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या करेक्ट है, तो 11 का भी डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं है। फिर बात करेंगे ही वॉज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ कॉलोनल टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन, नो एरर। तो आपको 12th का आंसर देना है, 12th का आंसर है सी, 12th का आंसर होगा सी, क्योंकि टिल की जगह यहाँ पर अनटिल होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे द मैन हु इज, द मैन अनटिल में सिंगल एल होगा, ओके, द मैन हु इज परपेचुअली हेसिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू आइदर, नो एरर। अब ये क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 13, और बताना है कि इसमें क्या सही आंसर बैठेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि यहाँ पर नाइदर होगा इन प्लेस ऑफ आइदर, ही विल डू फर्स्ट विल डू नाइदर, ठीक है। तो यहाँ पर द मैन हु इज परपेचुअली हेसिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू नाइदर, मतलब वो कुछ भी नहीं करता, जो हेसिटेट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर की जगह क्या होगा? नाइदर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो अदर हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स सीनिक ब्यूटीज, नो एरर। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, बिकॉज इट विल नॉट बी ब्यूटीज, इट विल बी ब्यूटी, ओनली ब्यूटी। ओके, आपको सीनिक ब्यूटी लिखना है यहाँ पर। आगे बात करेंगे 15 की, बींग अ वेल नोन फिजिसिस्ट ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ लेटर ऑन लेजर टेक्नोलॉजी, नो एरर। तो 15th का आपका नो एरर रहेगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऑल राइट। तो 16 है आपका, द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रेवलर इज टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड, नो एरर। तो 16th का आपका सही आंसर होगा सी, बिकॉज यू हैव टू राइट कैन इन प्लेस ऑफ कुड। ओके, आपको यहाँ पर कैन लिखना है। नेक्स्ट है आपका 17, देख लेते हैं, ही वॉज हार्ड डाउन फॉर मनी एंड वॉज बींग हैरेस्ड बाय हिज क्रेडिटर, नो एरर। सो 17th का करेक्ट आंसर होगा हार्ड अप इन प्लेस ऑफ हार्ड डाउन, ए होगा आपका इसका करेक्ट आंसर, हार्ड अप होगा इन द प्लेस ऑफ हार्ड डाउन। नेक्स्ट है, इफ वी रियली सेट टू वी कैन गेट द होल हाउस क्लीन इन एन आफ्टरनून, नो एरर। तो 18th का आपका करेक्ट आंसर होगा इन आ आफ्टरनून नहीं होता है, इन द आफ्टरनून होता, इन एन आफ्टरनून नहीं होगा, तो इस वजह से आपका 18 का सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आपका द होगा। आगे बात करेंगे 19 की, द मेन रीजन फॉर हिज फिजिकल सक्सेस इज दैट ही इज हार्ड वर्किंग। तो 19th का सही आंसर होगा फिजिकल। ओके, यहाँ पर फिजिकल लिखा हुआ है, बट इट शुड बी फाइनेंशियल, ओके, नॉट फिजिकल।
आपको क्या लिखना है यहाँ पर, द मेन रीजन फॉर हिज फाइनेंशियल सक्सेस, नॉट फिजिकल, यहाँ पर फाइनेंशियल लिखेंगे आप, दैट ही इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा हुआ है सिंस द टू पार्टीज ईच वॉन द सेम नंबर ऑफ सीट्स, द माइनॉरिटी पार्टी होल्ड द बैलेंस ऑफ पावर नो एरर। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ए, बिकॉज यहाँ पर हैव वॉन होगा, ईच के बाद आपका हैव वॉन होगा, सिंस द टू पार्टीज हैव वॉन, ओके ईच हैव वॉन होगा। नेक्स्ट है आपका 21, इट इज एरोगेंट फॉर यू टू एज्यूम यू विल विन एवरी टाइम, नो एरर। तो 21 का करेक्ट आंसर भी ए होगा, क्योंकि यहाँ एरोगेंट फॉर यू नहीं होगा, एरोगेंट ऑफ यू होगा। आगे बात करेंगे 22 की, वी हैव पेड फॉर आर ट्रैवल एंड एकोमोडेशन, सो वी नीड ओनली टू टेक सम पॉकेट मनी विद अस, नो एरर। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर होगा बी, ओके 22 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए अगर आपको लगे कि स्पीड ज्यादा, बाद में आंसर देखा करिए। तो 22 का बी होगा, क्योंकि यहाँ पर नीड ओनली की जगह टू टेक ओनली होगा, ओके नीड ओनली की जगह यहाँ पर क्या होगा, टू टेक ओनली, ओके सो वी नीड टू टेक ओनली, यहाँ पर नीड ओनली लिखा हुआ है ना, तो नीड टू टेक ओनली, ओनली आपका बाद में लगेगा, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करेंगे, देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट आर मोर वल्नरेबल इन इंडिया दैन ब्रिटेन फॉर और द यूएस, नो एरर। सो आपका इसका सही आंसर होगा 23 का सी, 23 का आपका सी करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पर दैन दोज ऑफ ब्रिटेन होगा इन प्लेस ऑफ दैन ब्रिटेन, ठीक है, दैन ब्रिटेन नहीं होगा, दैन दोज ऑफ ब्रिटेन, दैन दोज ऑफ ब्रिटेन, ओके। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, लास्ट टू क्वेश्चंस बचे हैं, हमने फिर से ये जंग जीत ली है। नेक्स्ट है आपका, इट इज शेमफुल दैट हंटिंग इज स्टिल कंसिडर्ड स्पोर्ट बाय सम अनस्क्रपलेस पीपल इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, नो एरर। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, आ स्पोर्ट होगा, आ स्पोर्ट, ओके। नेक्स्ट है 25, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर राव हु द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन, नो एरर। तो आपको 25 का करेक्ट आंसर देना है, तो 25 का करेक्ट आंसर बी होगा, जिसमें हम होम लिखेंगे हु की जगह, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर राव हुम द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन, जिनको मतलब मैनेजर क्या समझेंगे कि वो वर्दी है प्रमोशन के। तो आई होप सो कि आज का भी सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी टेस्ट सीरीज के सभी चीज़ों के जो अपडेट हैं वो मिलते रहें। नमस्कार।